इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको अगर शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं रोजाना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाना पड़ता है, क्लच ब्रेक एक्शन से परेशान हो जाते हैं बार बार यूज़ करने से, ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस आपको चाहिए। पर जब आप हाईवे पे जाते हैं या खुली रोड पे जाएंगे तो उस वक्त आपको मैनुअल का बेहतर कंट्रोल चाहिए। देन आई हैव अ गुड न्यूज़, Hyundai आपके लिए लेकर आई है एक नई टेक्नोलॉजी iMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि ना कि पूरे तरीके से ऑटोमेटिक है बट ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस आपको देता है, और ना ही ये एक ट्रेडिशनल मैनुअल गियर बॉक्स के जैसा है। तो क्या है ये, कैसा परफॉर्म करता है, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वॉचिंग ICN स्टूडियो एंड दिस इज Hyundai वेन्यू iMT। Hyundai Venue iMT में लुक्स के तौर पर आपको कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फ्रंट फेंडर पर iMT का बैज। हमने ड्राइव किया इसका SX टर्बो वेरिएंट, जो कि रेगुलर SX टर्बो मैनुअल वेरिएंट वाले सभी फीचर्स को रिटेन करता है, और इसकी एक शोरूम कीमत है ₹9.99 लाख। आपकी जानकारी के लिए बता दें, Hyundai ने एक नया SX स्पोर्ट ट्रिम इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आप चाहें तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल या 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ में ले सकते हैं। हालांकि iMT अभी तक सिर्फ टर्बो पेट्रोल वर्जन के साथ में अवेलेबल करवाया गया है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में नहीं। एंड बिफोर यू आस्क मी कि स्पोर्ट ट्रिम में अलग क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। एक नया ड्यूअल टोन ग्रे ब्लैक कलर स्कीम, साथ में बहुत सी जगह पर सटल रेड एक्सेंट्स इंक्लूडिंग द ग्रिल, ब्रेक कैलिपर्स, व्हील आर्च क्लैडिंग, रूफ रेल्स, बॉडी साइड मोल्डिंग एटसेट्रा। स्पोर्ट ट्रिम के कैबिन में भी आपको कुछ बदलाव नजर आएंगे, जैसे कि ग्रे कलर अपहोल्स्ट्री, शाइनी मेटल पेडल्स, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद रेड स्टिचिंग, AC कंट्रोल डायल्स पर रेड इंसर्ट्स एटसेट्रा। सो इन अ वे, इन सभी डिजाइन अपडेट्स के लिए आपको टर्बो SX स्पोर्ट iMT वेरिएंट लेना होगा, जिसकी एक शोरूम कीमत है ₹10.20 लाख, मात्र ₹20,000 ज्यादा SX वेरिएंट से। नॉट बैड फॉर दीज मेनी चेंजेस। डिजाइन के मामले में आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा, जो बदलाव आपको नजर आएगा वो आएगा इसके जो पेडल्स हैं उसमें। अब आपको इसमें 3 पेडल्स की जगह 2 ही पेडल्स मिलते हैं। अब ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं वो यूजुअली आप जो ऑटोमेटिक्स होती हैं उसमें देखते हैं, एक ब्रेक पैडल होता है, एक एक्सेलरेटर पैडल होता है, और यहाँ पे अपना पाव रेस्ट करते हैं। रेगुलर मैनुअल ट्रांसमिशन को थोड़ा सा ऑटोमेट किया गया है, दैट मींस गियर बॉक्स जो है वो आपको रेगुलर मैनुअल वाला ही मिलेगा। मतलब आपको अगर गियर चेंज करना है, फर्स्ट में लगा दिया, सेकंड में आपने लगा दिया, थर्ड में लगा दिया, फोर्थ में लगा दिया, ये सभी जो आप एक रेगुलर मैनुअल गियर बॉक्स में करते हैं वैसा ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ये एक 6-speed का यूनिट है। तो गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पहला आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है, आपका जो ये गियर है वो हमेशा न्यूट्रल में होना चाहिए, फ्री पोजीशन में होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट गियर में भी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, मैंने बंद किया, फर्स्ट गियर में मैंने इसे लगाया, अब जब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये स्टार्ट नहीं होगी। शिफ्ट टू एन आपको बोलेगा स्टार्ट इंजन करने के लिए, तो आप न्यूट्रल पे इसे लेकर आइए, तभी ये स्टार्ट होगी। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। मतलब रेगुलर आपको मैनुअल के जैसे स्टार्ट करना है, फर्क वो आप जब आप चलाना शुरू करते हैं वहां से आता है। जब आप फर्स्ट गियर लगाते हैं मैनुअल में तो क्या होता है, फर्स्ट गियर आपने लगाया, फर्स्ट गियर लगाते ही आप क्लच पे आपका पांव हमेशा जाता है। यहां पर भी एक्चुअली वो थोड़ा यूज होने में टाइम लगेगा, बट आप अपने पांव को आराम दीजिए, फर्स्ट गियर में आप लगाइए। फर्स्ट गियर में लगाने के बाद में जैसे आप ब्रेक से पांव हटाएंगे तो इसका जो क्रीप फंक्शन है वो किक इन हो जाता है। आपने EMTs में ऑटोमेटिक में सुना होगा, कुछ सर्टेन स्पीड तक आपकी जो गाड़ी है वो अपने आप चल लेती है बिना आप एक्सेलरेटर पे पांव रखें। अब मैंने एक्सेलरेटर पे पांव नहीं रखा हुआ है, मैंने सिर्फ ब्रेक से पांव हटाया है, ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक से वापस पांव हटाऊंगा और ये मोमेंटम जो है अपना वापस ले लेगी। तो 7-8 km/h तक जो स्पीड है वो कर लेती है, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है तो काफ़ी कन्वीनियंस वाली बात है। अब आपको गियर चेंज करना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ब्रेक जो है उस पर पाँव नहीं लाना है, ये जैसी पोजीशन में है आपके पाँव वैसे रखिए और सिंपली जो गियर बॉक्स है उसे सेकेंड गियर में लगा दीजिए। ये सेकेंड गियर में लग गया और फिर आप
आपका जो एक्सेलरेशन का जो इनपुट है वो आप सिंपली दे सकते हैं। तो इतना कन्वीनियंट ये हो चुका है। और सबसे अच्छी बात अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे लगेगी कि जैसे मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, जब मैं इतने फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस AMT में करने की कोशिश करता हूँ, जो कि ऑटोमेटेड हर चीज़ करता है, क्लच भी वो ऑटोमेटेड करता है, जो गियर चेंजेस हैं वो भी ऑटोमेटेड होते हैं, तो जर्क बहुत बार फील होता है, बहुत ही लथार्जिक सा वो लगता है, बहुत ही लेजी सा वो गियर बॉक्स लगता है। बट अगर आप इसमें ऐसा कुछ करते हैं, इतना आसानी से हो रहा है, कोई जर्क मूवमेंट नहीं है, और इनफैक्ट मैं अभी फोर्थ गियर में हूँ एंड आई कैन डू लेट्स से लगभग 15 हो गया, उसके बाद में ये आपको बोलना शुरू करता है कि आपको शिफ्ट डाउन करना है। यहाँ पे ये जो बीप आप सुन रहे हैं ये आपको बोल रहा है प्लीज़ शिफ्ट डाउन, अब आपको शिफ्ट डाउन करना है। मैं डायरेक्टली सेकंड गियर में आ गया एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग अगेन। आई थिंक इट वर्क्स एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। वो जो लैग है वो आपको AMT के मुकाबले तो बिल्कुल फील नहीं होता है, एकदम क्लोज टू मैनुअल आपको ये फील होगा। हाँ, वो हल्का सा कुछ माइक्रो सेकेंड्स का लैग अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैनुअल गियरबॉक्स चलाते हैं तो आपको फील हो सकता है। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, मान लो कि मैं फिफ्थ गियर में डाल देता हूँ और मैं बहुत ही कम स्पीड कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अबाउट 1000 RPM से भी नीचे है स्पीड मेरी, लगभग 20 km/h, 20 उससे भी नीचे आते हैं, एक बार ब्रेक मारते हैं, एकदम स्लो स्पीड हो गई है मेरी। अब यहाँ पर टेक्निकली ये गाड़ी चलेगी नहीं, रेगुलर मैनुअल अगर आप चलाते हैं तो गाड़ी बंद ही हो जाती है। अच्छी बात यह है यहाँ पे आप गाड़ी बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है वो ऑन रहेगी हमेशा, सिर्फ आपको इंडिकेट करेगी कि आपको शिफ्ट डाउन करना है। ये आपने शिफ्ट डाउन किया एंड देन स्टार्ट्स वर्किंग अगेन। आई थिंक इट वर्क्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर आप पहली बार भी इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप बहुत सालों से मैनुअल चला रहे हैं तो आपको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका पांव ऑटोमेटिकली क्लच की तरफ जाता है जब भी आप गियर चेंज करते हो। बट अगर आप एक दिन के लिए इस गाड़ी को चला लोगे, एक दो दिन के लिए, देन यू विल गेट यूज टू इट। तो हाँ, जो लैग मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एक गियर से दूसरे गियर जाते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, स्पेशली अगर आप शहर में चला रहे हैं, कई बार तो आपको पता भी नहीं पड़ता है। बट अगर आप ओपन हाईवेज पे हैं, ओपन हाईवेज पे क्या होता है कि अगर आपको जल्दी से गियर डाउन करना हो, कभी कभी आप ओवरटेक करने के लिए जब गियर डाउन करते हैं तो उस वक्त वो हल्का सा लैग जो है वो हाईवेज पे आपको ज़्यादा फील होगा। तो ये चीज़ मैं फिर भी बोलूँगा कि आप यूज टू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लैग नहीं है AMT के मुकाबले। जैसे कि मैंने कहा, AMT के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको ये लगेगा, उस मामले में भी ना के बराबर लैग लगेगा अगर मैं AMT से कंपेयर करूँ। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है, और वो है गियर शिफ्टिंग। मतलब एक गियर से जब दूसरे गियर जा रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, अप शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली भारी है, या मतलब जो स्मूथनेस, जो स्लिकनेस आपको इसके रेगुलर मैनुअल में आती है उतनी आपको यहाँ पर नहीं आती। और उसका रीज़न मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आप गियर चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ में ही सेंसर सेंस करता है और जो ECU है या ECM है उसको वो सिग्नल भेजता है और उसके हिसाब से वो क्लच जो है वो अपना एक्शन लेता है। और इसी वजह से वो जो आपको गियर शिफ्ट में हल्का सा थोड़ा भारीपन लगेगा वो इसी वजह से है। हालांकि मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि ये भारी है, अभी भी इसके साथ में भी ये बहुत सी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मैनुअल गियर बॉक्सेस से ज़्यादा स्मूथ आपको ये लगेगा। मैं Hyundai से ही कंपेयर कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये चीज़ मेंशन की है, अदरवाइज इट्स प्रीटी स्मूथ। अब एक चीज़ जो बहुत बार पूछी जा रही है IMT को लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको मैनुअल शिफ्ट करना पड़ता है और क्लच आपके हाथ में नहीं है, तो क्लच ब्रेक कॉम्बिनेशन या क्लच के जो कॉम्बिनेशन है उसके एक्चुएशन से हम क्या करते हैं, जब भी किसी फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, किसी ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, स्टीप इंक्लाइन आप ले रहे हैं, तो उस वक्त वहाँ पे क्लच का प्ले जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो क्या ये सीमलेसली कर पाता है, और क्या कई लोग जो मैनुअल ट्रांसमिशन चलाते हैं वो एक्चुअली मैनुअल चलाते चलाते भी रोल बैक हो जाते हैं, और AMTs जिनमें कि हिल होल्ड नहीं आता है या हिल असिस्ट नहीं आता है उनके साथ भी दिक्कत होती है कि आप अगर आप स्टैंड स्टिल पे हैं और फिर आप इंक्लाइन पे चढ़ रहे हैं तो उस वक्त गाड़ी थोड़ी सी रोल बैक हो जाती है बहुत बार। तो क्या इसके केस में भी ऐसा होता है? एक्चुअली वही हम अभी चेक कर रहे हैं। तो अभी गाड़ी न्यूट्रल में है और मैंने फर्स्ट गियर में इसे लगाया और मैं अपना पाँव हटा रहा हूँ, गाड़ी अपने आप चलने लगती है और उसके बाद में आप डेफिनेटली रेस दे सकते हो। ये थोड़ा सा और अभी इंक्लाइन आया है,
आई एम नॉट श्योर ये कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ये एक्चुअली ठीक ठाक इंक्लाइन है, जो कि कई बार AMTs के लिए स्ट्रगल हो जाता है स्टैंड स्टिल से चलाना, या मैनुअल ट्रांसमिशन में भी कई लोगों को दिक्कत आ जाती है। तो मैं वापस से एक बार करके देख रहा हूँ, और ये यहाँ पे होल्ड किया इसने और फिर इसने चलना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ये सीमलेसली करता है, तो आपको वो शिकायत तो नहीं होगी कि आप स्टीप इंक्लाइन पे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। So that's it people on the Hyundai Venue IMT, Hyundai की नई नवेली टेक्नोलॉजी IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन को लेकर। और इस रिव्यू में हमने एक्चुअली ये बात करने की कोशिश की है कि क्या इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है हमारा, और कैसे ये Hyundai Venue को एज अ प्रोडक्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बदलाव लाता है, क्या ऐड करता है, और क्या कुछ नयापन लेकर आ पाता है। कैसे काम करती है IMT टेक्नोलॉजी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, पर क्या इंटरनल कैसे काम होता है, कैसे सेंसर्स काम करते हैं, कैसे एक्चुएटर्स काम करते हैं, कैसे क्लच इंटरनली काम करता है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम अपनी ICN एक्सप्लेन्स की जो सीरीज है उसमें लेकर आएंगे। तो ये ऑफकोर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल है जो कि IMT के ड्राइविंग बिहेवियर को लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर मैं एड्रेस नहीं कर पाया हूं, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।